राजस्थान में सत्ता का महासंग्राम और भाजपा में टिकटों को लेकर आज भी दिल्ली में मंथन होगा। प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं के बीच ये महामंथन होने जा रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से चर्चा होगी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और उसके अलावा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा होगी और प्रदेश में ए कैटेगरी और डी कैटेगरी की सीटों के नामों पर मंथन की संभावना भी है। प्रदेश में 52 विधानसभा सीटें ए कैटेगरी की और करीब 19 सीटें डी कैटेगरी की मानी जा रही हैं। अब ऐसे में इस बैठक के बाद पीएम मोदी के स्तर पर भी हरी झंडी मिलेगी। तो वही परिवर्तन यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा के बाद पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। और सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक तरफ जहां पर हमले बोले जा रहे हैं राज्य सरकार पर, दूसरी तरफ दिल्ली में महामंथन भी आज होने जा रहा है, साथ ही जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा, पहली सूची को लेकर भी कई अटकलें यहां पर लगाए जा रहे हैं कि संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि परिवर्तन यात्राएं अपनी जगह चल रही है और बीजेपी के तमाम जो नेता है उन्होंने भी कहा था कि परिवर्तन यात्राएं अपने जगह चलती रहेगी, लेकिन वही दूसरी ओर जो टिकट है उन पर जो काम है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो वही उसी कवायद के तहत आज अचानक परिवर्तन यात्रा के बीच से जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये तमाम कल दिल्ली पहुंचे अचानक, तो उसके बाद वहां आपसी रूप से मंथन किया और आज फिर उनका मंथन रहने वाला वो लोग दिल्ली में ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टिकट है उनको लेकर चर्चा होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि जो एट कैटेगरी की सीटें जिनको कांग्रेस भी मानती है कि लगातार तीन या तीन से ज्यादा बार बीजेपी जीत रही है, तो वो एट कैटेगरी के लिए यानी सुरक्षित सीटें मानी जा सकती है और उसको लेकर उन पर सीधा सीधा मंथन है, क्योंकि ज्यादा नाम चर्चा की होने की जो वो सीटें लगातार बीजेपी जीत रही है कई सालों से, तो ऐसे में वो दूसरी ओर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार जीत रही है, ऐसी सीटें हालांकि 19 बताई जा रही है जो जिन पर तीन या तीन से ज्यादा बार बीजेपी लगातार हारी है, तो उन पर भी मंथन किया जाएगा कि कैसे उनको जीता जा सके, क्योंकि एक एक सीट को लेकर मंथन जरूरी है, क्योंकि सत्ता अगर हासिल कर लिए तो हर सीट पर लड़ाई होती है और उसी को लेकर जीत के सारे समीकरण बैठाए जाते हैं कि किस तरह से ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे जीता जा सकता है, ये चुनाव जो मैदान है रण क्षेत्र है उससे जीता जा सकता है और उसी को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। और फिलहाल जो पहली सूची की जहां तक बात है, तो क्योंकि 25 तारीख को परिवर्तन यात्राओं की जो चारों प्रतिनिधि यात्राएं निकाली है उनकी एक बड़ी सभा होगी यहां पर जयपुर में, पीएम नरेंद्र मोदी उस सभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद ही ये सूची आएगी, क्योंकि पीएम मोदी अभी G20 में और इनमें व्यस्त है, तो ऐसे में अब वो मंथन होगा इन सूचियों पर एक बार फिर, उसके बाद पहली सूची जारी हो सकती है, तो संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह में पहली सूची जारी होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहली सूची संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी, तो उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पहली सूची जारी होती है, तो उसके बाद तमाम मुद्दों को लेकर और खासतौर पर वो सीटें जो की कमजोर है उनको लेकर आज मंथन किया जा रहा है, नामों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विष्णु, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो उधर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनी